हेलो स्टूडेंट मैं मधु यादव आज आपके सामने लेकर के आई हूँ वन शॉर्ट वीडियो ऑफ जेनेटिक्स यानी कि हेरिडिटी चलिए स्टार्ट करते हैं तो व्हाट इज हेरिडिटी एंड वेरिएशन हेरिडिटी का मींस होता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से जनरेशन में जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं हेरिडिटी कहते हैं और वेरिएशन उन्हें कहते हैं कि उन कैरेक्टर्स में जो डिफ्रेंसेस हमें नजर आएंगे नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग में नेक्स्ट जनरेशन में उन्हें हम क्या कहते हैं वेरिएशन कहते हैं तो हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में हम बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं उस ब्रांच को हम कहते हैं जेनेटिक्स क्या कहते हैं जेनेटिक्स बेसिकली जेनेटिक्स जो वर्ड है वो मिलकर के बना है जीन से किससे मिलकर के बना है जीन से जो कि क्या होते हैं हेरिडिटी की यूनिट होते हैं तो हेरिडिटी क्या होता है देखिए इट इंक्लूड्स कि कैरेक्टर्स विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड आर टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी इंडिविजुअल में वो फिक्स होंगे और नेक्स्ट जनरेशन में जाते उन्हें हम क्या बोलते हैं हेरिडिटी अब जेनेटिक्स क्या बोलते हैं क्या कहते हैं स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज सेड टू बी नोन एज जेनेटिक्स तो हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ना इसे ही हम क्या कहते हैं जेनेटिक्स कहते हैं द टर्म जेनेटिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल यूज बाई डब्ल्यू बैटसन इन नाइनटीन एन ऑस्ट्रियन मॉन्क नेमली ग्रेगर जोन मेंडल ग्रेगर जोन मेंडल जो हैं इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स इन्हें हम क्या कहते हैं फ़ादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों क्योंकि इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और किस पर किए थे मटर पर किए थे गार्डन पी पर किए थे जिसका नाम था पाइसम सटाइवम और इन्होंने हेरिडिटी के इनहेरिटेंस के बहुत सा uh, इनहेरिटेंस के कुछ जो हैं लो दिए थे प्रिंसिपल्स दिए थे इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं हम फादर ऑफ़ जेनेटिक्स तो ग्रेगर जॉन मेंडल वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी जेनेटिक्स ही वाज देयरफॉर रिगार्डेड एज द फादर ऑफ़ जेनेटिक्स आफ्टर जब उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट कर दिए उसके बाद में जो कंक्लूजन निकला उसके बाद में उन्हें क्या दिया गया फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया अब वेरिएशन क्या होते हैं तो वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो हमें नजर आएंगे वेरिएशन जो है वो एक ही स्पेशीज के मेंबर्स के बीच में भी हो सकता है और एक ही पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग के बीच में भी हो सकता है लाइक ह्यूमन पूरी स्पेशीज है तो अलग अलग ह्यूमन में डिफरेंसेस है वो अलग वेरिएशन है इसके अलावा दो भाई बहन है ब्रदर सिस्टर है ब्रदर ब्रदर है सिस्टर सिस्टर है उनके बीच में भी डिफरेंसेस हैं उन्हें हम क्या कहते हैं वेरिएशंस कहते हैं तो वेरिएशंस इज कंसर्न विद द डिफरेंसेस बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज लाइक ह्यूमन की स्पीशीज के बीच में डिफरेंसेस एंड ऑल्सो बिटवीन द ऑफ स्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट्स और सेम पेरेंट्स की भाई बहन या बहन बहन जो भी है उनके बीच में डिफरेंसेज उन्हीं को हम वेरिएशन कहते हैं और वेरिएशन दो हो सकते हैं सोमेटिक वेरिएशन या जो केवल जर्मिनल जर्मिनल सोमेटिक सेल, सेल, से तो सेल को इफेक्ट करते हैं इट इज ना इधर इनहेरिट कभी इनहेरिट नहीं होंगे फ्रॉम पेरेंट्स नोट्रांसमिट टू नेक्स्ट जनरेशन इनहेरिट भी नहीं होंगे दूसरी जनरेशन में जाएंगे भी नहीं इट इज़ एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल ड्यूरिंग इट्स ओन लाइफ उसकी लाइफ के दौरान उसने उनको कहीं ना कहीं से क्या किया है एक्वायर्ड किया है बाहर वाले सरकमस्टेंस से लिया है इज लोस विद इट्स डेथ और वो जैसे ही खत्म होगा पर्सन उसके साथ वो वेरिएशन भी क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे इसलिए हम इन्हें एकवायर्ड वेरिएशन का टर्म भी देंगे सोमेटिक वेरिएशन किस किस वजह से हो सकते हैं जैसे कि एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब है इसमें सभी ऑर्गेनिज्म आ गए हैं एनवायरमेंट uh, में सभी वो सारे फैक्टर्स आ जाएंगे जो अफेक्ट करेंगे फूड है एयर है प्रेशर है ह्यूमिडिटी है एंड वाटर है इनके अकॉर्डिंग हमारे अंदर कोई भी वेरिएशन हो सकते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे सोमेटिक इसके अलावा क्या हो सकती है लाइट लाइक स्ट्रॉन्ग सनलाइट अफेक्ट द ह्यूमन स्किन बाई इंक्रीजिंग द डार्क पिगमेंट इन द एपिडर्मल सेल जैसा कि आपको पता है स्किन जो है उसका कलर डिसाइड uh, कौन करता है मेलेनिन पिगमेंट करता है और अगर ज्यादा स्ट्रोंग लाइट है तो ये ज्यादा बन जाएगा तो डार्क स्किन कलर हो जाएगा मेलेनिन प्रोटेक्ट्स द अंडर सेल्स बाय अब्सॉर्बिंग द अल्ट्रा वायल रेस ऑफ द सन तो मेलेनिन जो है वो मेलेनिन प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग सेल जो हमारी सेल है उनको क्या करता है प्रोटेक्ट करता है हैबिटेट क्या है इट इज आल्सो अफेक्ट द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल एंड लीड्स टू वेरिएशन हैबिटेट हम जहां रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम में कोई वेरिएशन आ सकते हैं न्यूट्रिशन इट इज आल्सो वन ऑफ द वेरियस फैक्टर इट इज ऑल्सो वन ऑफ दस फैक्टर्स जो क्या लेकर के आता है वेरिएशन लेकर के आता है इसके अलावा है यूज एंडिसूज ऑफ ऑर्गन अगर आप ऑर्गन का यूज करते हैं डिसयूज करते हैं तो भी वहां पर क्या हो सकते वेरिएशन हो सकते हैं बट ये कौन से होंगे सोमेटिक वेरिएशन कंटिन्यूस यूज ऑफ एन ऑर्गन मेक इट्स बैटर डेवलप वेर इज कॉन्स्टेंट डिसयूज मेक्स इट रिड्यूज इसके अलावा है कॉन्शियस एफर्ट्स कॉन्शियस एफर्ट्स बाय मैन प्रोड्यूस सोमेटिक वेरिएशन इन ह्यूमन देमसेल्फ इन डोमेस्टिक एनिमल्स एंड प्लांट्स देखा होगा आपने कि जो जंग, जंगल में मिलने वाले प्लांट है जिनको हम जनरली बोलते हैं कि उनके हैबिटेट में मिलते हैं और जो घर में हम डोमेस्टिक तरीके से उनको रखते हैं उनमें और उनमें क्या होता है डिफरेंस हो जाता है बाकी भी जैसे जो है रेजिस्टेंस हो गए इन सब चीजों में उनमें क्या हो जाता है वेरिएशन आ जाता है जर्मिनल वेरिएशन क्या होते हैं दिस वेरिएशन अफेक्ट अफेक्ट द जर्म जर्म सेल सेल को करेंगे इस होता इनहेरिटेबल इनहेरिट होंगे पेरेंट में है तो जनरेशन में जा सकते हैं रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम द पेरेंट एंड इट इज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन पेरेंट्स इंडिविजुअल इंडिविजुअल नेक्स्ट जनरेशन इस तरीके से वो वहां पर क्या होते जाएंगे ट्रांसफर होते जाएंगे वेरिएशन होने का मतलब क्या है सिग्निफिकेंस क्या है वेरिएशन है तो क्यों है इनका क्या रोल है वेरिएशन का तो वेरिएशन इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू टू चेंजिंग एनवायरमेंट अगर एक ही टाइप का ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं हो रहे हैं अब एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होती है और अगर वो अपने आप के अंदर चेंज नहीं करता है तो एनवायरमेंट उसे क्या कर सकता है रिजेक्ट कर सकता है इसलिए वेरिएशन जरूरी है इट फॉर्म्स रो मटेरियल फॉर इवोल्यूशन इवोल्यूशन हम कहते हैं कि जब वेरिएशन आए वेरिएशन आने के बाद में कोई एक नई स्पीशीज बनी नई स्पीशीज बनने का मतलब है कि वहां पर क्या हो गया इवोल्यूशन हो गया है तो इसका क्या है रॉ मटेरियल है वेरिएशन इवोल्यूशन का इट एनेबल्स ऑर्गेनिज्म टू फेस द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इन अ बेटर वही पता बताया मैंने कि एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज आता है तो क्या होगा वहां पर उस ऑर्गेनिज्म को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यानी कि वो उसको क्या बना देगा फेस द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इन अ बेटर वे सही तरीके से रहने के लिए उसको क्या कर देगा चेंज कर देगा इट हेल्प्स मेन इन इम्प्रूविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स इट इज द बेसिस ऑफ हेरेडिटी ये क्या है हेरिडिटी का बेसिस है इट ऑल्सो लीड्स टू द एक्सिस्टेंस ऑफ न्यू ट्रेट और मैंने आपको बोला था वेरिएशन आएंगे यानी कि नया करेक्टर आया नई स्पीशीज में नया कैरेक्टर आएगा तो इवोल्यूशन हो जाएगा अब बात करते हैं मैंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन मैंडल का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इनहेरिटेंस में या हम बोल सकते हैं जेनेटिक्स में इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है तो ग्रेगर जॉन मैंडल 1822 ट्वेंटी टू टू एटीन एटी फोर ये इनका पूरा लाइफ पेन है इन सिलिशियन ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे नाउ अ पार्ट ऑफ सिकोस्लोवाकिया ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स इन्हें क्या कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स हम कहते हैं ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं जनरली ऑस्ट्रिया आपको याद रखना ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं ही कंडक्टेड दिस एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी पर किया था उसके रीजन भी है कि क्यों किया गार्डन पी को इन्होंने क्यों सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए सब भी आएंगे मेंडल इस एक्सपेरिमेंट डाटा कंक्लूजन बिफोर ब्रून नेचुरल सोसाइटी इन 1865 एंड फाइव पब्लिश्ड इन एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इन एटीन इन्होंने जो भी अपने एक्सपेरिमेंट किए थे उनके डाटा को पब्लिश भी किया और जो है उनको क्या किया सौंप दिया था मतलब पब्लिश कर दिया था ताकि पता रहे कि हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया है ही वर्क वॉज अब हुआ क्या कि जैसे ही इन्होंने किया एक्सपेरिमेंट उसके जस्ट बाद में ऐसा नहीं था कि इनके जो है आ, लो ऑफ इनहेरिटेंस मान लिए गए थे वो काफी टाइम बाद हुआ था तो ये है ही वॉज रिकॉग्नाइज उनका काम जो था वो कब रिकॉग्नाइज हुआ या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि रीडिस्कवरी डिस्कवरी ऑफ मैंडल स्लो हम क्या कह सकते हैं इसे डिस्कवरी ऑफ़ मैंडल स्लो तो रीडिस्कवरी डिस्कवरी ऑफ मैंडल स्लो तीन साइंटिस्ट ने मिलकर की थी एक थे डी ब्रिज हॉलैंड के एक थे कार्ल कोरेंस जर्मनी के एंड एरिक वॉन शेकम ये थे Austria के तो इन तीनों ने तीनों साइंटिस्ट ने अलग अलग जगह पर सेम कंक्लूजन निकाला जो किसने निकाला था मैंडल ने निकाला था, था। इसीलिए इनको 1900 में क्या दिया गया फादर ऑफ जेनेटिक्स इन्हें क्या कहा गया फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको कहा गया जबकि इनकी डेथ कब हो गई थी 18 एटी में कब हो गई थी 1884 में और 1866 में तो इन्होंने क्या कर दिया था अपना जो भी एक्सपेरिमेंट किया था उसका डाटा जो है पब्लिश कर दिया था नेक्स्ट अब यहाँ पर कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी है क्योंकि इन टर्म्स के बिना जेनेटिक्स को आगे नहीं पढ़ा जा सकता है पहले टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए तो क्या टर्म्स है पहली टर्म है जीन जीन क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम भी पेयर में, में होते हैं जीन भी पेयर में होते हैं क्रोमोसोम भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं और जीन भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं तो हेरिडिटी यूनिट है ये तो और ये कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अब एलील क्या है तो टर्म अलील रेफर ऑफ द मेंबर ऑफ अ जेनेटिक पेयर और अल्टरनेट ट्रेट ऑफ अ जीन पेयर अगर कोई जीन है तो उसका क्या कैरेक्टर है क्या ट्रेट है उसका एक एक मेंबर जो होगा उसे हम क्या कहेंगे अलील कहेंगे क्या कहेंगे अलील कहेंगे फॉर एग्जाम्पल लाइक ये लिखा हुआ है कैपिटल टी कैपिटल टी तो ये कैपिटल टी इज अलील अब होमोजाइगस ट्रेट क्या होंगे यदि मैं क्या करूं इस तरीके से लेती हूं दोनों एलील मतलब क्या हो सेम हो क्या हो दोनों एलील सेम हो तो, तो ये हो जाएगा होमो क्योंकि होमो का मतलब होता है सेम क्या होता है सेम होता है और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट क्या होता है डिफरेंट बाकी जाइगोट जाइगस जायगोट यानी कि ये डिप्लोइड की बात चल रही है किसकी बात चल रही है डिप्लोइड की बात चल रही है अगर ये दोनों इस तरीके से हैं या दोनों एलील सेम हो चाहे कैपिटल लेटर में लिखा हो चाहे स्मॉल लेटर में हो तो ये हो जाएंगे होम हो जाएगा स्मॉल टी दे ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट जब हम इनको क्या करेंगे मियोसिस करेंगे क्या करेंगे मियोसिस तो यहाँ पर ये बन जाएंगे सेम टाइप के सेम टाइप के गैमेट्स यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे जबकि होते 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 हैं 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 उनके दोनों एलील क्या डिसिमिलर या डिफरेंट लाइक कैपिटल टी एंड स्मॉल टी और जब इनको हम मियोसिस करेंगे तो एक कैपिटल टी बनेगा एक स्मॉल टी बनेगा तो गैमेट यहाँ पर क्या बनेंगे डिफरेंट टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होंगे अब डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है मेंडल ने एक लो दिया था जिसे बोलते हैं लो ऑफ डोमिनेंस तो लो ऑफ डोमिनेंस में इन्होंने बताया कि जो कैरेक्टर पहली ही जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था उसी को हमने क्या कहा डोमिनेंट कैरेक्टर और पहली जनरेशन को यहां पर बोला गया है एफ वन जनरेशन एफ मीनस फीलियल फर्स्ट फीलियल जनरेशन इसे हम क्या बोलेंगे फर्स्ट फीलियल जनरेशन एफ वन का मतलब फर्स्ट फीलियल जनरेशन इज कॉल्ड एज डोमिनेंट एट इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर हमेशा कैपिटल लेटर से हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल डी कुछ भी हो सकता है पर हम इसे क्या करेंगे कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल लेटर से हम इसे डिनोट करेंगे उसके बाद आता है रिसेसिव ट्रेट जब हेटरोजाइगस की बात करते हैं लाइक इस तरीके की कंडीशन लिखी हुई है और ये है एफ किसकी जनरे आ, कौन सा ऑफिस प्रिंग है एफ वन जनरेशन का ऑफिस प्रिंग है अगर इसमें ये जो एक्सप्रेस हो रहा है वो तो क्या है डोमिनेंट करेक्टर तो टोल क्या है डोमिनेट करेक्टर है लेकिन इसके एक्सप्रेस नहीं हो रहा है तो ये क्या क्या हो हो गया गया रिसेसिव रिसेसिव कैरेक्टर कैरेक्टर तो द ट्रेड डज नॉट इन द एन जनरेशन इज कॉल्ड रिसेसिव ट्रेड एफ वन जनरेशन का मतलब है हमेशा वो क्या होगा हेट्रो ही होगा क्या होगा हेट्रोजाइगस ही होगा इसलिए पहले से याद होना चाहिए कि हेट्रोजाइगस जनरेशन की ये बात कर रहा है क्योंकि जब दोनों साथ में है तब नहीं एक्सप्रेस कर रहा है ना स्मॉल टी अगर ये अलग से है तब तो ये एक्सप्रेस करेगा तब तो ये क्या होगा एक्सप्रेस करेगा और ये ये क्या क्या बताएगा बताएगा ड्वार्फ ड्वार्फ जबकि वाला क्या होगा टॉल क्या होगा टोल होगा हालांकि हाइब्रिड टोल होगा लेकिन टोल कैरेक्टर होगा उसका फिनोटाइप क्या होगा टोल होगा जीनोटाइप डिफरेंट हो सकता है टोल का जीनोटाइप क्या होता है अब जीनोटाइप क्या होता है तो जीनोटाइप और फिनोटाइप का मतलब है जीनोटाइप मतलब हो गया जेनेटिक जेनेटिक ओरिएंटेशन क्या हो गया जेनेटिक ओरिएंटेशन या जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन uh, किसी भी जीन को हम बताएंगे एलील को बताएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे जीनोटाइप लाइक like, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, टी कुछ भी यहाँ पर हो सकता है तो ये क्या हो गए जीनो टाइप क्या हो गए जीनो टाइप अगर यहाँ पर देखें हम तो ये दोनों क्या होते हैं टोली क्या है टोल तो टोल कैरेक्टर के दो जीनो टाइप पॉसिबल हैं वहीं फिनोटाइप का मतलब होता है कि जो फिजिकल अपियरेंस है या मोर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर हैं उनको हम क्या कहेंगे फिनोटाइप क्या कहेंगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को या फिर हम कहेंगे फिजिकल uh, अपियरेंस को क्या कहेंगे हम फिनोटाइप कहेंगे अगर बाहर से देखने पर लग रहा है ये टॉल प्लांट है दैट इज फिनोटाइप रेशो उसका होगा टॉल के हिसाब से बाकी जीनोटाइप में टॉल डिफरेंट हो सकता है प्योर भी हो सकता है हाइब्रिड भी हो सकता है उसके बाद में आता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस अगर कोई एक कैरेक्टर लिया जा रहा है इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर वन पेयर ऑफ कैरेक्टर का मतलब हो गया यहाँ पर आप क्रॉस करवाएंगे कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी तो यहाँ पर एक ही कैरेक्टर है ठीक है और उनके बीच में अगर क्रॉस करवाते हैं दैट इज मोनो हाइब्रिड मोनो मतलब होता है वन मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा लाइक like, टोल और ड्वार्फ के बीच में हमको क्या करवाना क्रॉस करवाना डाई हाइब्रिड यहाँ पर टू पेयर लेंगे आप टू पेयर्स की इनहेरिटेंस की बात करेंगे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर भी याद होना चाहिए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा उसके बाद आगे चलते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस तीन ले रहे हैं हम थ्री पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ले रहे हैं तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बैक क्रॉस क्या होता है टेस्ट क्रॉस क्या होता है यदि इस तरीके से कहानी है कि यह है कैपिटल टी कैपिटल टी ये हो गया हमारा टॉल या डोमिनेंट प्लांट स्मॉल टी टी ये हो गया डोल्फ प्लांट ये हो गया डोमिनेंट और ये हो गया रिसेसिव तो जब हम इनके बीच में क्या करेंगे सबसे पहले तो गैमेट बनाएंगे कैपिटल टी कैपिटल टी ये हो गया स्मॉल टी स्मॉल टी जब हम इनसे नई जनरेशन बनाएंगे तो यहाँ पर आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी दैट इज एफ वन जनरेशन एफ वन जनरेशन में जो कैरेक्टर अपने आप को शो करेगा ये होगा टोल यहाँ पर हंड्रेड परसेंट प्लांट के आएंगे टोल आएंगे अब क्रॉस क्या है और टेस्ट क्रॉस क्या है क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस बिग क्रॉस का मतलब है यदि एफ वन जनरेशन वाले प्लांट का क्रॉस एफ वन जनरेशन वाले प्लांट का क्रॉस ये रही है वन जनरेशन इसका क्रॉस यदि हम उसके दोनों पेरेंट्स वाले पेरेंट के पास में जो कैरेक्टर है लाइक प्योर टोल है और प्योर ड्वार्फ है यदि इन दोनों से क्रॉस करवा सकते हैं तो ये हो जाएगा बैक क्रॉस क्या हो जाएगा बैक क्रॉस लेकिन यदि केवल किससे कराएं रिसेसिव वाले पेरेंट से कराएं तो ये हो जाएगा टेस्ट क्रॉस क्या हो जाएगा टेस्ट क्रॉस हो जाएगा

तो अगर हमें बाई फ्लावर में एक कंडीशन बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाई देती है कि उनमें क्या हो जाएगा सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा अगर पोलन ग्रेन को बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन मिल रही है तो वो स्टिग्मा पर चले जाएंगे उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर तो उनमें क्या हो जाएगा सेल्फ पोलिनेशन अब यदि इसी फ्लावर में हमें क्या करना हो क्रॉस पोलिनेशन करना हो तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ये जरूरी होगा कि हम उस फ्लावर को पहले यूनिसेक्सुअल फ्लावर में चेंज करें यानी कि हम क्या करें उसके स्टेमेन जो होते हैं एंथर जो होते हैं स्टेमेन या एंथर उनको हम क्या कर दें कट कर दें इन बड स्टेज कौन सी स्टेज में हम उनको कट कर दे बड स्टेज जब मैच्योर नहीं हुआ है एंथर बनने से पहले उनको क्या करते हैं हम स्टेज में उनको कट कर दे रिमूव कर दे दिस प्रोसेस इज कॉल्डन तो द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम अ फ्लावर फॉर द क्रॉस पोलिनेशन और ये किस लिए किया है हमने क्रॉस पोलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन हम कर क्यों रहे मान लीजिए अगर ऐसा कोई कैरेक्टर है जो आपको उस नई जनरेशन में आना चाहिए आप लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको दूसरे फ्लावर के उसमें पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र करने पड़ सकते हैं तो इस केस में आप क्या करेंगे क्रॉस पोलिनेशन करेंगे अब बात करते हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट तो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट की बात करें तो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे मेंडल ने गार्डन पीपर किया था और इनके एक्सपेरिमेंट जो किए थे इन्होंने गार्डन पी को चुना क्यों था रीजन क्या था डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि गार्डन पी को चुनने के रीज़न क्या थे तो सेलेक्ट करने की रीज़न ये थे कि शॉर्ट लाइफ साइकिल है एक बार में अगर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उसे ज़्यादा टाइम के लिए वेट करना नहीं पड़ा उसका लाइफ साइकिल जल्दी से कंप्लीट हो गया वेल डिफाइंड कैरेक्टर अभी हम देखेंगे इसमें सेवन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मिलेंगे इसलिए ये बहुत अच्छा था नेक्स्ट है बाइसेक्सुअल फ्लावर जैसा कि मैंने आपको बताया बाई सेक्सुअल फ्लावर है तो सेल्फ पोलिनेशन तो वैसे ही मिल रहा है लेकिन जरूरत पड़ने पर आप इसमें क्या करवा सकते हैं क्रॉस पोलिनेशन इसके लिए क्या करना पड़ेगा इमेस्क्यूलेशन क्या करना पड़ेगा इमेस्क्यूलेशन करना पड़ेगा प्रीडोमिनेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्योंकि जब बाईस है तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो होगा ही सही इजी हाइब्रिडाइजेशन तो इजी हाइब्रिडाइजेशन वही क्रॉस पोलिनेशन करने के बाद में क्या बनेगा हाइब्रिड बनेगा नई जनरेशन आएगी उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल आफ्टर द इमेस्क्यूलेशन उसके बाद में आते हैं कौन से कैरेक्टर उन्होंने चूज किए थे पी के तो क्या कैरेक्टर थे सेवन कैरेक्टर थे कितने थे सेवन कैरेक्टर थे और ये कौन से थे एक तो था स्टेम की हाइट इसमें डोमिनेंट होगा टॉल और ड्वार्फ होगा रिसेसिव तो डोमिनेंट टॉल को कैपिटल टी स्मॉल टी हम रिप्रेजेंट कर देंगे फ्लावर की कलर और पोजिशन फ्लावर का कलर क्या होगा वायलेट और व्हाइट क्या होगा व्हाइट और वॉयलेट पोजीशन क्या होगी एक्सियल और टर्मिनल पॉड शेप क्या होगी फली कैसी होगी इन्फ्लेटेड इन्फ्लेटेड का मतलब है कि आराम से बिना झुर्रेदार बिना सिकुड़ी हुई थी एकदम और कंस्ट्रिक्टेड यानी कि सिकुड़ी हुई होगी पॉड कलर क्या होगा पॉड का कलर ग्रीन वाला जो है वो उसका डोमिनेंट होगा येलो वाला उसका रिसेसिव होगा इसी तरीके से बात करें सीड शेप की तो सीड कैसे होते हैं राउंड वाले ज़्यादा राउंड वाले में क्या होगा ज्यादा उसका स्टोर फूड होगा जबकि रिंकल वाले में कम होगा तो ये डोमिनेंट होगा राउंड और रिंकल क्या होगा रिसेसिव कैरेक्टर सीड कलर की बात करें तो येलो येलो सीड इसका मतलब मैच्योर हो गया है सीड और जल्दी से जर्मिनेट हो सकता है तो यहाँ पर ये येलो होगा जबकि ग्रीन क्या होगा उसका रिसेसिव कैरेक्टर होगा नेक्स्ट मेंडल्स परफॉर्म एक्सपेरिमेंट इन थ्री स्टेज क्या थ्री स्टेज उन्होंने यूज की थी सबसे पहले उन्होंने श्योर किया था द प्लांट विच ही मस्ट बी अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट ट्रू ब्रीडिंग प्लांट का मतलब है जिसकी हम कई जनरेशन तक आराम से ले सकते हैं लाइक ट्रू लिया था हमने उसका प्योर प्लांट लिए थे

एंड आगे भी ऐसे ही एफ वन के साथ में फिर यहाँ से शुरू हो जाता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी इसका इसी के साथ क्रॉस करवाना दैट इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन मेंडल की सक्सेस के रीजन क्या थे तो रीजन तो यही था कि उन्होंने जो प्लांट चूज किया था वो बिल्कुल बिल्कुल सही था क्योंकि उसके कैरेक्टर क्लियर थे और बाकी जो थे रीजन पी को चुनने के वो सारे वो, करैक्टर उसमें बिल्कुल क्लियरली शो हो रहे थे ही सिलेक्टेड ट्रू ब्रीडिंग प्योर प्योर पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ही स्टडीड सिंगल ट्रेड एट ए टाइम अगर तो द टॉल की बात कर रहा है यानी स्टेम की हाइट की बात कर रहा है तो उसने एक टाइम पर एक ही एक्सपेरिमेंट एक ही कैरेक्टर के साथ में आ, काम एक किया एक्सपेरिमेंट किया मिक्सिंग नहीं की उसके बाद में ही केप्ट एन एक्यूरेट मैथमेटिकल रिकॉर्ड सक्सेस इनका काम रिकोगनाइज क्यों नहीं हुआ था इतने सालों तक उसका रीजन भी यही है क्योंकि इनका तरीका क्या था मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल तरीका था क्योंकि इन्होंने सब कुछ एक्यूरेट बताया था कि इतना रेशो टॉल होगा इतना डॉआार्फ होगा इतना जो है टॉल हाइब्रिड वाला होगा तो हिज ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट एंड नोटेड डाउन द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ ऑफ प्रोड्यूस इन ईच क्रॉस तो मैथमेटिक तरीका था तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर उसका आता जा रहा था ही लकी इनफ टू सेलेक्ट द सेवन ट्रेड ये लकी था क्योंकि ट्रेड जो उन्होंने चूज किए थे वो क्या थे फोर डिफरेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे कितने क्रोमोसोम पर फोर डिफरेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है तो कोई ए की वन पेयर ऑफ कैरेक्टर की क्या करना इनहेरिटेंस की स्टडी करना वन पेयर ऑफ कैरेक्टर अब इनकी ही जब स्टडी करेंगे तो हम इनको ही क्या बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे यहाँ पर ट्रेट एंड नॉट द अदर दिच इज बींग एक्सप्रेड इज कॉल्ड एज डोमेंट वेर इज दन विच इज नॉट एक्सप्रेड इट इज कॉल्ड एज रिसेसिव ट्रेट एफ टू जनरेशन में अगर हम देखेंगे सेल्फ पोलिनेशन किया हमें तो डोमनेंट भी मिल जाएंगे रिसेसिव भी मिल जाएंगे और उनका रेशो कितना आएगा थ्री रेशो वन यानी कि सेवेंटी फाइव परसेंट हो गए टॉल और ट्वेंटी फाइव परसेंट हो गए ड्वार्फ हो गए हैं लाइक like यदि हम बात करें तो इस तरीके से कैपिटल टी स्मॉल टी ये हो गया हमारा बिल्कुल पेरेंटल जनरेशन ये कौन सी जनरेशन हो गई पेरेंटल जनरेशन हो गई ये हो गया डोमिनेंट और ये हो गया रिसेसिव ये क्या हो गया रिसेसिव हो गया ये मियोसिस कराया हमने गैमेट्स बनाए गैमेट्स बनाने के बाद मैं क्रॉस करवाएंगे क्रॉस करने से यहाँ पर जो चेकर बोर्ड बनाकर देख लेते हैं चेकर बोर्ड जो है वो चेक करने के लिए कि कितना रेशो किसका आएगा तो एक जो रो है उसमें ये वाले कैरेक्टर लिख देते हैं इस वाले में लिख देते हैं ये वाला तो यहाँ पर क्या एक यहाँ से लेना है एक यहाँ से लेना है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी तो यहाँ पर ये जो जनरेशन मिली दैट इज एफ वन जनरेशन ये क्या हो गई एफ वन जनरेशन हो गई है और एफ वन जनरेशन में सभी क्या आता है हंड्रेड परसेंट टोल प्लांट थे लेकिन ये कौन से टोल थे हेटेरोजाइगस कौन से थे हेटेरोजाइगस थे या फिर हम इन्हें बोल सकते हैं हाइब्रिड क्या बोल सकते हैं हाइब्रिड जनरेशन बोल सकते हैं अब हमने क्या किया कि एफ वन जो जनरेशन है यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी ऑल सारे क्या है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी हंड्रेड परसेंट क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट है इनके बीच में भी जब हम क्या कराएंगे सेल्फ पोलिनेशन क्या करवाएंगे सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी अगेन चकर बोर्ड कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल एंड स्मॉल स्मॉल टी दिस जनरेशन इज कोल्डेड एफ टू जनरेशन इसे हम क्या कहेंगे एफ टू जनरेशन कहेंगे एफ टू जनरेशन का अगर हम रे, रेशो निकालें तो यहाँ पर पहले देखते हैं फिनो टाइप रेशो और फिनो टाइप रेशो यहाँ पर होगा थ्री रेशो वन बिकॉज थ्री यहाँ पर क्या हुआ ये वाला क्या हुआ टॉल ये वाला भी क्या हुआ टॉल ये वाला क्या हुआ टोल ये अकेला क्या हुआ तो यहाँ पर थ्री क्या है टॉल है और अकेला ये क्या है वन डॉआर क्या है ये दौर्फे. तो इस तरीके से फिनोटाइप रेशो, आ गया, थ्री रेशो वन. यानि कि सेवेंटी वो तो हो गए सेवेंटी फाइव परसेंट क्या हो गए टोल हो गए और ट्वेंटी फाइव परसेंट क्या हो गए डॉआरफ हो गए प्लांट इसके बाद में अगर जीनोटाइपिक टाइपिक रेशो देखें तो जीनोटाइपिक टाइपिक रेशो में यहाँ पर तीन टाइप के जीनोटाइप मिलेंगे तीन टाइप के मिल सकते हैं एक तो ये मिल गया आपको कैपिटल 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 टी टी एक मिल गया स्मॉल टी और एक मिल गया स्मॉल टी स्मॉल टी तो यहाँ पर कैपिटल टी है वन ये है टू और ये है वन तो वन टू वन इज द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ एफ टू जनरेशन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस the f2 generation is obtained by self-pollination the dominant and the recessive trait obtained were in the ratio of 3-1 ratio 75% jyoti, wothi tall 1% 25% dwarf which appeared in f2 generation had dominant trait while 25% 25% है ियन मोनोहाइब्रिड रेशो इसे हम क्या कहेंगे मोनोहाइब्रिड रेशो कहेंगे क्योंकि क्रॉस क्या था मोनोहाइब्रिड था ये इसका बिल्कुल ये चेकर बोर्ड है इसका ठीक है और यहाँ पर ही कैरेक्टर लिखे हुए हैं ये तो हो गई F1 जनरेशन ये हो गई F1 जनरेशन जब हमने इनका क्या कराया सेल्फ पोलिनेशन यानी कि F1 का F के साथ ही कराया तो हमें यहाँ पर क्या मिले ए हो गया टॉल ये भी टॉल ये भी टॉल और ये हो गया डॉआार्फ तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिला थ्री रेशो वन इनका क्या आ जाएगा फीनो और वन टू वन क्या हो जाएगा जीनोटाइपिक रेशो क्या हो जाएगा जीनोटाइपिक रेशो जिसमें से होमोजाइगस कैपिटल टी कैपिटल टी टॉल हेट्रोजाइगस टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी और होमोजाइगस डॉआार्फ यानी कि स्मॉल टी स्मॉल टी इस तरीके से हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं ये हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस ये क्या हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी कि अगर हम एक साथ क्या कर लें टू पेयर टू पेयर ऑफ कैरेक्टर की इनिटेंस की बात करें तो यहाँ पर लिया है हमने सीड का कलर और सीड की शेप तो सीड के कलर की बात करें तो येलो उसका डोमिनेंट है और शेप कौन सी है राउंड ये हो गया येलो के लिए और ये हो गया राउंड के लिए वहीं पर ये हो गया येलो का अपोजिट होगा ग्रीन और राउंड का क्या होगा रिंकल्ड क्या होगा तो इस तरीके से यहाँ पर अगर दो पेयर टू पेयर ऑफ कैरेक्टर की इनहेरिटेंस की बात करेंगे तो दिस इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस एफ वन जनरेशन में सभी क्या मिलेंगे सभी हाइब्रिड प्लांट मिलेंगे जिनके येलो होंगे और राउंड सीड होंगे लेकिन जब एफ वन जनरेशन को क्या कराएं सेल्फ पोलिनेट कराएं क्या कराएं सेल्फ पोलिनेट कराएं तो इस तरीके से आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैप स्मॉल वाई तो इन्हें जब हम क्या कराएं ये एफ वन जनरेशन में मिले थे किसमें मिले थे एफ वन जनरेशन में मिले थे और जब हम इनको क्रॉस करवाएंगे तो हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये मिलेगा रेशो और इसमें अगर हम रेशो देखें दिस इज़ एफ टू जनरेशन एफ़ टू जनरेशन में अगर रेशो देखें फिनोटाइपिक रेशो तो वो आएगा नाइन थ्री थ्री वन Year, तो क्या हो जाएंगे येलो एंड राउंड कौन से हो जाएंगे येलो एंड राउंड सीड अगर एक भी कैपिटल दिख रहा है तो इसका मतलब है वो येलो और राउंड ये भी येलो राउंड है येलो राउंड ये येलो राउंड है और थ्री क्या थे उसमें वन था रिंकल एंड ग्रीन लास्ट वाला क्या था रिंकल एंड ग्रीन था उसका रिसेसिव कैरेक्टर और ये जो दो थे ये नए कॉम्बिनेशन बने थे येलो जो था वो बना था उसके साथ में रिंकल के साथ में और राउंड बना था ग्रीन के साथ में तो ये हो गए नेक्स्ट थ्री, थ्री. लो क्या दिए हैं इन्होंने इनहेरिटेंस से तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लो दिए हैं द प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर क्या कहता है ये प्रिंसिपल ईच कैरेक्टर इन एन इंडिविजुअल इज गवर्न बाय टू फैक्टर जीन ये जीन का बारे में बता दिया मैंने क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एज जीन की फॉर्म को क्या कहेंगे एलिन कहेंगे या Allelomops कहेंगे इफ एन इंडिविजुअल कंसिस्ट ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिन अगर वो सिमिलर टाइप का है तो क्या होगा होमोजाइगस डिफरेंट का है तो हेट्रोजाइगस हम उसको बोल देंगे इसलिए इन्होंने बोला है पेयर्ड फैक्टर पेयर यानी कि पेयर में है दो सेम है तो होमोजाइगस डिफरेंट है तो हेट्रोजाइगस नेक्स्ट क्या है प्रिंसिपल ऑफ या लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है ये कि एफ वन जनरेशन जो मिलेगी कब जब हम प्योर प्लांट्स के बीच में क्या करवा रहे हैं क्रॉस करवा रहे हैं तो एफ वन जनरेशन में जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर और डोमिनेंट कैरेक्टर मिलना ही क्या होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस व्हेन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल होमोजाइगस बोला गया है यानी कि या तो वो क्या होगा

सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग होना डिसोसिएशन होना या फिर हम इसे बोलते हैं लो ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के गैमेट्स जो है वो क्या होते हैं प्योर होते हैं उनमें कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है और बाद में वो क्या हो जाते हैं सेग्रीगेट हो जाते हैं जब गैमेट बन रहे होते हैं तो क्या हो जाते हैं दोनों सेग्रीगेट हो जाते हैं द लो ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर फैक्टर और जीन और एलील आर एलिट टूगेदर हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस मेरा कैपिटल टी स्मॉल टी में जब हम उसको पास पास में लेकर के आ रहे हैं इन अट्रोजाइगस कंडीशन द टू रिमेन्स टूगेदर विदाउट बींग कंटेमिनेशन तो ये दोनों एक दूसरे को कंटेमिनेशन नहीं करेंगे कोई ब्लेंडिंग नहीं करेंगे यहाँ पर भले हमें टोल नजर आ रहा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ड्वार्फ वाला कैरेक्टर हमेशा के लिए चला गया ये हमें कैसा पता चलेगा जैसे ही हम एफ टू जनरेशन में जाएंगे हमें वहां पर ड्वार्फ वापस से मिल जाएगा ट्वेंटी फाइव परसेंट गैम आर फॉर्म फ्रॉम दे, देम टू सेपरेट आउट फ्रॉम ईच अदर जब गैमिट बनेगा तो ये अलग हो जाएगा ये अलग हो जाएगा इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं मैंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ फेरेडिटी उसके बाद है इंडिपेंडेंट असोटमेंट और इंडिपेंडेंट असोटमेंट जो है वो है डाई हाइब्रिड पर बेस है किस पर बेसे डाई हाइब्रिड क्रॉस पर है और इसका मतलब होता है कि जो कैरेक्टर से एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को अफेक्ट नहीं करेगा वो दोनों कैरेक्टर इजीली क्या हो जाएंगे असोट हो जाएंगे यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में चले जाएंगे लाइक like हमने पढ़ा था कि राउंड वाला जो है वो किसके साथ में है येलो के साथ में रिंकल वाला किसके साथ में है ग्रीन के साथ में है लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ये ऐसे ही रहेंगे कभी कभी आर के साथ में क्या चला गया वाई यानी कि राउंड के साथ में क्या जा सकता है ग्रीन भी जा सकता है और रिंकल के साथ में कौन जा सकता है येलो भी जा सकता है वहां पर जो नाइन थ्री थ्री रेशो मिला था नाइन थ्री थ्री वन रेशो उसमें ये जो तीन नए कॉम्बिनेशन थे तीन और तीन छह नए कॉम्बिनेशन ऐसे थे जो क्या थे राउंड ग्रीन थे तीन तो और तीन क्या थे रिंकल येलो तीन क्या थे रिंकल येलो थे तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन के अलावा नए कॉम्बिनेशन मिले और इसी को हम क्या बोलते हैं देख लेते हैं क्या है इफ़ इनहेरिटेंस ऑफ मोर सकता है out independently. वो आसानी से एक दूसरे के साथ जा सकते हैं इट इज कोल्ड इज मैंडल से अब जीन क्या होता है जीन का मतलब है जीन जो टर्म दिए हैं वो मेंडल ने इन्हें क्या कहा था फैक्टर मेंडल ने इन्हें क्या कहा था फैक्टर कहा था मेंडल ने जीन को फैक्टर कहा था और यही उनका एक जो था पॉइंट रह गया था कि वो डिफाइन नहीं कर पाए थे कि ये क्या है नेक्स्ट जनरेशन में जा क्या रहा है उन्होंने बस कहा था कि कोई फैक्टर है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है तो जीन वॉज इंट्रोड्यूस बाय जॉनसन जॉनसन ने ये टर्म दी है कौन सी जीन दी है और किसको दिया है मैंडलियन फैक्टर को क्योंकि मैंडल ने इनको क्या नाम दिया था फैक्टर क्या कहा था फैक्टर की कोई फैक्टर है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है जीन डिटामाइन द फिजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर स्टिक बाहर से देखने पर फिजिकल और फिजियोलॉजिकल यानी कि क्या काम कर रहा है सभी को जो कंट्रोल कौन करता है जीन करता है मेंडल्स देम फैक्टर फैक्टर मेंडल ने इन्हें क्या कहा था? कहा था था दे आर फ्रॉम पेरेंट टू वही के क्रोमोसोम पर होते हैं और क्रोमोसोम और जीन में क्या सिमिलरिटी दोनों पेयर में होते हैं दोनों ही ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम वेयर दे ऑक्यूपाई स्पेसिफिक पोजिशन कोल्ड एज लोकस जीन जिस पोजिशन पर मिलते हैं क्रोमोलाइक ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ जीन मिल रहा है तो ये हो गया लोकस क्या हो गया ये जगह हो गई लोकस इसके अलावा एक और होता है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इन्हेरीटेंस किसने दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इन्हेरीटेंस थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये दिया था सटन एंड बोवेरी ने किसने दिया था इनहेरिटेंस क्या दिया था इनहेरिटेंस ये दिया था वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी डब्ल्यू सटन और टी बोवेरी ने दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इसके बाद आता है सेक्स डिटर्मिनेशन तो सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला आ जाता है क्रोमोसोम्स क्योंकि क्रोमोसोम्स जो है वो ही सेक्स डिटरमाइन करेंगे क्रोमोसोम दो टाइप के होंगे एक होंगे सेक्स क्रोमोसोम जिन्हें हम बोलते हैं एलोसोम्स क्या बोलेंगे एलोसोम्स बोलेंगे और एक होंगे ऑटोसोम्स जिन्हें हम बोलते हैं असेक्सुअल क्रोमोसोम क्या बोलेंगे असेक्सुअल क्रोमोसोम बोलेंगे अगर बात करें इन ह्यूमन ह्यूमन की केस में बात करें तो ह्यूमन में होते हैं ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम होते हैं इन फोर्टी सिक्स का अगर देखें तो मेल में होते हैं फोर्टी फोर प्लस एक्स वाई जबकि फीमेल में होते हैं फोर्टी फोर प्लस एक्स एक्स तो यहाँ पर जो फोर्टी फोर है ये हो गए हमारे ऑटोसोम जो मेल और फीमेल दोनों में क्या है सेम है जबकि एक्स एक्स और एक्स वाई जो हो गए वो हो गए हैं सेक्स क्रोमोसोम सिंपली ओनली एक्स और ओनली एक्स ओनली वाई भी हम लिख सकते हैं तो सेक्स क्रोमोसोम क्या हो गए ये हो गए अब फीमेल मे ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा तो ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन होगा तो इस तरीके से लाइक like ये फीमेल है तो फीमेल में हो गया फोर्टी फोर प्लस एक्स एक्स मेल में हो गया फोर्टी फोर प्लस एक्स वाई इनके गैमेट्स बनाते हैं तो ट्वेंटी टू प्लस एक्स ट्वेंटी टू प्लस एक्स ये हो जाएगा ट्वेंटी टू प्लस एक्स एंड ट्वेंटी टू प्लस वाई जब इनका हम करवाएंगे क्रॉस तो यहाँ पर बनेगा 44 फोर प्लस एक्सिक्स यानी कि हो जाएगी डोटर ये क्या हो जाएगी डोटर 20 44 फोर प्लस एक्स वाई ये हो जाएगा सन ये हो जाएगा 44 फोर प्लस एक्सिक्स यानी कि डोटर एंड ये हो जाएगा 44 फोर प्लस एक्स वाई यानी कि ये सन यानी कि 50 परसेंट चांस है डोटर के और 50 परसेंट चांस किसके होते हैं फिफ्टी परसेंट चांस होंगे सन के तो इस तरीके से होता है सेक्स होता है अब देख लेते हैं ऑटोसोम सोमेटिक क्रोमोसोम या सेक्सुअल क्रोमोसोम रेगुलेट सोमेटिक कैरेक्टर ये सोमेटिक कैरेक्टर को बताएंगे एलोसोम हेट्रोसोम ऐसा क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर हेट्रोसोम यानी कि अलग अलग हो सकते हैं एक्स बाय इस तरीके से हो सकते हैं

फीमेल हेट्रोगेमेटी, हेटरो मतलब हो गया डिफरेंट क्या हो गया डिफरेंट अगर फीमेल के गैमेट क्या है डिफरेंट लाइक फ़ीमेल अगर इस तरीके से हैं कि एक्स और वाई है क्या है एक्स और वाई दोनों क्या है डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये हो गया फीमेल हेट्रोगेमेटी, और अगर होता है मेल हेट्रोगेमेटी, यानी कि मेल के दोनों क्या है क्रोमोसोम डिफरेंट डिफरेंट तो ये हो जाएगा मेल हेटरोगी तो यहाँ पर देखें कि दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इज फर्स्ट ऑब्जर्वड बाय विल्सन एंड स्टीवेंस इन लेगियस इनसेट इट इज ऑफ टू टाइप कितने टाइप के होंगे टू टाइप के होंगे टू टाइप कौन से होंगे यहाँ पर एक होगा एक्सएक्स फीमेल और एक्सवाई मेल जिसमें फीमेल क्या है उसके गैमेट दोनों सेम है और मेल के क्या है अलग अलग हैं दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जनरली हम के अन, हमारे अंदर मिलेगा ह्यूमन के अंदर जो मिलेगा वो इसी टाइप का होगा ये मैं बता चुकी हूँ 44 प्लस यानी कि यहाँ पर हो जाएंगे 50 परसेंट तो जो है वो डोटर बनने के चांसेस है और फिफ्टी परसेंट क्या बनने के चांसेस है सन बनने के चांसेस है अब दूसरा टाइप है एक्स वाई फीमेल की फीमेल क्या है हेट्रोगेमिट है और मेल क्या है उसके दोनों गैमेट सेम है इन दिस टाइप ऑफ सेक्समेशन फीमेल इज गैमेट डिफरेंट कि बटरफ्लाइज में मिलता है moth में मिलता है, वर्टिब्रेट्स लाइक बर्ड्स फिशेज एंड रेप्टाइल्स में मिलता है इस टाइप का मिलता है एक ZZZW. ZZZW में क्या होता है कि जेड जेड जो होता है वो होता है मेल क्या होता है मेल होता है और ये होती है फीमेल तो ये हो गया मिलने वाला ठीक है और तो ये हो गई फीमेल हेट्रोगेमिटी ये क्या हो गई फीमेल हेट्रोगेमिटी बाकी ह्यूमन में जो मिलता है वो हो जाएगा मेल हेट्रोगेमिटी मेल के जो क्रोमोसोम है वो डिफरेंट है थैंक यू